इवनिंग स्नैक्स हो या ब्रेकफास्ट के टाइम हो, कुछ ना कुछ तो यमी खाने का सभी को बहुत ही पसंद है। आज मैं आप सभी के साथ वेजिटेबल मेयो सैंडविच का रेसिपी शेयर करूंगी। और ये जो सैंडविच है ये बहुत ही टेस्टी बनता है। घर पे जरूर आप ये रेसिपी को ट्राई करें। और ये जो आपका सैंडविच है, छोटे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का यम्मी बाला मेयो वेजिटेबल सैंडविच। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपी को देखने के लिए। वेजिटेबल मेयो सैंडविच बनाने के लिए पहले हमको बड़ा साइज का ब्रेड चाहिए, मतलब सैंडविच साइज का ब्रेड। यहाँ पे हमने 4 ब्रेड लिए हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज, जो कि मार्केट में सब समय ग्रोसरी के शॉप में अवेलेबल होता है। उसमें से 1 या 2 टेबलस्पून ईच ब्रेड में हम डाल देंगे और अच्छे से इसको हम स्प्रेड कर देंगे सारे ब्रेड के ऊपर। और यहाँ पे ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। और ये है आपका धनिया लिप्स की चटनी। इसमें हम थोड़ा सा लहसुन, ग्रीन चिली, सॉल्ट और आपका थोड़ा सा लेमन जूस डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लिए हैं। इसमें से 1 या 2 टेबलस्पून हम दूसरी ब्रेड के ऊपर डालेंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पे ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने पतला पतला गोल गोल शेप में प्याज और टमाटर और थोड़ा सा खीरा को कट करके रखे हैं। उसको अच्छे से आप सारे ब्रेड के ऊपर सजा दें, मतलब एक ब्रेड के ऊपर अच्छे से सजा दें। लास्ट में थोड़ा सा हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला। ये सारे चीज को आपको दोनों ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब गोलमरीच पाउडर। और उसके बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा ओरिगानो। ओरिगानो को भी आप सारे ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। और दूसरी जो ब्रेड है उसको ये ब्रेड के ऊपर अच्छे से डालें और थोड़ा सा स्प्रेड करें। और ये जो 2 सैंडविच ब्रेड है आपका, ये फ्राई होने के लिए रेडी है। अभी हम लेंगे एक तावा। यहाँ पे हमने ग्रिल तावा लिए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल तावा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बटर या थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दें अच्छे से, और ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। और अभी हमको ब्रेड को तावा में रखना है और नीचे की तरफ अच्छे से इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अभी हम ऊपर में थोड़ा सा बटर लगा देते हैं, क्योंकि इसको फोल्ड करना है इसीलिए। ऐसे करके थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें, जैसे कि नीचे की तरफ ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। 2 से 3 मिनट ऑलरेडी हो गया है। अभी हम इसको दूसरे साइड को पलटा देंगे। थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको पलटाएं, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रख के आप इसको अच्छे से पलटा दीजिए। ये जो ब्रेड है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने के लिए बोथ साइड। और यहाँ पे अभी हमको फिर 2 या 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे आपका सैंडविच ब्रेड एकदम रेडी हो गया है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पिज्जा कटर में इसको कट करेंगे, आप चाहें तो नाइफ पे भी अच्छे से इसको कट कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स हो या ब्रेकफास्ट हो या घर पे कोई गेस्ट आते हैं, तो आप ये सैंडविच को बनाइए और उन लोगों को सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बाहर से भी ज्यादा टेस्टी ये सैंडविच आपका घर पे बनता है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। राइट साइड पे जो बेल बटन है उसको जरूर क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए रहती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।